हेलो दोस्तों, मैं अशोक प्रजापति आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एएसपी इन्फो हब में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में उपयोग किए जाने वाले भारत गैस सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुकिंग अब सिर्फ IVR या फिर ऑनलाइन मेथड से ही की जा रही है, क्योंकि दोस्तों पहले ऐसा होता था कि हमें बुकिंग कराने के लिए हमें अपने गैस सिलेंडर वितरक के पास जाकर अपने गैस की बुकिंग करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों इससे बहुत दिक्कत आती थी सभी को और सभी के पास टाइम नहीं होता था। तो दोस्तों सरकार ने एक निर्णय लिया कि फोन से IVR के द्वारा बुकिंग की सुविधा शुरू की जाए। दोस्तों ये सुविधा शुरू हो चुकी है और ये सुविधा का उपयोग सभी कर भी रहे हैं। दोस्तों अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फोन होता नहीं है और हम गैस की बुकिंग करना चाहते हैं, और दोस्तों हम बुकिंग भी सिर्फ उसी फोन से कर सकते हैं जिस फोन से हमने गैस सिलेंडर लिया हुआ है, जो फोन वहां रजिस्टर्ड है, और किसी फोन से हम बुकिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास फोन नहीं होता है और हम गैस बुक नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आज एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप अपने गैस की बुकिंग ऑनलाइन ही कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपके पास अपने गैस सिलेंडर की कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बुकिंग के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट यानी आपको अपने लॉगिन डिटेल बनानी पड़ेगी, और आप ये लॉगिन डिटेल सिर्फ एक बार बनाएंगे, उसके बाद हमेशा इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको सिलेंडर बुक करना होगा आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जा बुकिंग कर सकेंगे। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ उस वेबसाइट का। दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है eBharatGas.com। दोस्तों ये है वेबसाइट, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको माई अकाउंट पर यहाँ क्लिक करना होगा। माई अकाउंट पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों आपके पास लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों आपके पास लॉगिन डिटेल तो होगी नहीं, तो आपको लॉगिन डिटेल बनाने के लिए यहाँ पर न्यू यूजर है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको किसी भी डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको कंज्यूमर नंबर या फिर फोन नंबर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये पहली बार और फर्स्ट टाइम ही सिर्फ आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था कि आपको कंज्यूमर नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पर अपना गैस सिलेंडर का कंज्यूमर नंबर डालना है और रजिस्टर फोन नंबर, जो रजिस्टर हुआ रहेगा फोन नंबर जिससे IVR करके बुकिंग करते हैं, उसी नंबर को आपको यहाँ डालना है। और आपके पास दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन को भर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉगिन आईडी मांगी जाएगी और पासवर्ड। जैसे कि दोस्तों मैं अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं अपनी लॉगिन आईडी डालूंगा दोस्तों और पासवर्ड डालूंगा दोस्तों जो मैंने बनाया है। पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों कैप्चा भरेंगे। कैप्चा दोस्तों ध्यान रहे हमेशा सही भरना है। अब इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करते ही सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, आपकी पूरी डिटेल यहां दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने बुक सिलेंडर पर क्लिक करना है। बुक सिलेंडर पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। बुकिंग करते ही दोस्तों यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करते ही सिलेंडर बुक हो जाएगा, और बुक होने के बाद दोस्तों अगर आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर सिलेंडर आए कैश, आपको कैश ना देना पड़े, तो इसके लिए दोस्तों आप बुक नाउ पर क्लिक करते ही आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगी पेमेंट की, आप उस पर क्लिक करके पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट जब ऑनलाइन कर देंगे तो आपके घर जो सिलेंडर डिलीवर होगा उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें डिस्काउंट भी मिलता है, अगर आप बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कुछ रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। दोस्तों IVR से बुक करने पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा,
कोई फायदा नहीं होएगा। और ऑनलाइन बुक करने पर देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आप कभी भी कहीं भी बुक कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे आप बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेंडर बुक हो जाएगा। दोस्तों बुक होने के बाद अगर आप अगर ये भी चेक करना चाहते हैं कि बुक हुआ है या नहीं, तो फिर दोस्तों आप ट्रैक योर रिफिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने पिछली बार अपना सिलेंडर बुक किया था, यहाँ पर देखिए दोस्तों COD मैंने किया था और डिलीवर हो गया है। ये सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर सब लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन भारत गैस सिलेंडर की। आप कभी भी कहीं भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जल्दी से जल्दी आपके पास दोस्तों अलर्ट पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों।